दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि चंदन दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद चंदन और एक लाल चंदन। दोस्तों सफेद चंदन की खेती उन जगहों पर की जाती है जहां पर पानी की पीएच वैल्यू 6.5 से ऊपर होती है, जबकि लाल चंदन की खेती उन जगहों पर होती है जहां पर पानी का पीएच वैल्यू 6.5 से कम होता है। दोस्तों फल और सब्जियों की खेती से किसानों को अच्छी कमाई होती है, पर इसके अलावा एक और खेती है जिसके करके किसान बेहद कम समय में करोड़पति बन सकते हैं, और यह है चंदन की खेती। दोस्तों चंदन की खेती में इतनी कमाई होती है कि बेहद कम समय में किसान करोड़पति बन सकते हैं, पर इसके लिए किसानों के पास चंदन की खेती से पूरी जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चंदन का पेड़ दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है, और इतना ही नहीं सरकार हर साल इसके दाम बढ़ाती है। दोस्तों आज के दिन में यह 30,000 रुपए प्रति किलो की दर से बिकती है, लेकिन दोस्तों चंदन के पौधे को पेड़ बनने में करीब 12 से 15 साल का समय लगता है, और 12 साल में इसका वजन 15 किलो होता है, जबकि 15 साल होते तक इसका वजन 20 किलो हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह पेड़ का वजन नहीं है, बल्कि इसके अंदर से जो पाउडर निकाला जाता है ये उसका वजन होता है। किसान इन चंदन के पौधों को हरियाणा से मंगाते हैं और उसे 12 साल तक लगाकर उसकी देखभाल भी करते हैं। इसके बाद एक पेड़ से करीब 18 से 19 किलो वजन आता है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चंदन एक पैरासाइट प्लांट है। दोस्तों पैरासाइट उन्हें कहा जाता है जो दूसरे प्राणियों के शरीर में रहते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों इसी तरह चंदन का पेड़ भी दूसरे पेड़ों के जरिए अपना भोजन लेता है, और इसलिए इस पेड़ को अकेला नहीं लगाया जा सकता, नहीं तो ये पौधा मर जाएगा। दोस्तों सफेद चंदन की खेती उन जगहों पर की जाती है जहां पर पानी की पीएच वैल्यू 6.5 से ऊपर होती है, और जबकि लाल चंदन की खेती उन जगहों पर होती है जहां पर पानी की पीएच वैल्यू 6.5 से कम होती है। दोस्तों चंदन खेती करने वाले किसानों ने बताया कि जहां पर पानी पीने के बाद आपका पेट खराब नहीं होता है, उन जगहों पर आप सफेद चंदन की खेती कर सकते हैं। दोस्तों चंदन की खेती दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी होती है, पर इसे लाल मिट्टी और अन्य जगहों पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन रेतीली मिट्टी में आप इसकी खेती नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस जमीन पर चंदन की खेती की गई है वहां पर जल जमाव नहीं होना चाहिए, वरना पौधा खराब हो सकता है। दोस्तों पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए हर 3 से 4 महीने में वर्मी कंपोस्ट और केचुए खाद डाला जाता है, साथ ही फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों चंदन की खेती करने के लिए पहले किसानों को एक खास परमिशन लेनी होती थी, पर अब इसकी जरूरत नहीं होती है, अब आप बड़े आराम से इसे लगा सकते हैं। दोस्तों हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।